हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मॉम बेबी एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुँच सकें और आप सब मेरी वीडियोज़ को देख सकें। लोग जानते होंगे कल का दिन 16 अगस्त 2018 हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत दुखद रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सभी के बीच नहीं रहे, तो बहुत दुखद घटना रही है हमारे भारत देश के लिए। केरला के लिए बाढ़ आई हुई है, इतने सारे लोग अब बाढ़ की वजह से परेशान हो रहे हैं, कितने लोग बेघर हो चुके हैं। तो बस हम सब लोग उन सभी लोगों के लिए प्रे करेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी बाढ़ से निजात मिले और वो सब लोग भी हमारी तरह सेफ रह सकें, जल्दी से बाढ़ हटे वहाँ से और वो लोग भी सेफ हो जाएं। तो हम सब बस दुआ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग भी उन सभी लोगों के लिए दुआ करिए। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो पूरा बेस्ड है मॉनसून, बारिश से आने वाली बीमारियों पे नहीं हम फोकस करेंगे, मॉस्किटोज पर, कि मच्छर के काटने से, मतलब आप सभी को पता है कि कितना बीमारी होती है। तो हमें बस ये जानना है कि हमें मच्छरों से हमें कैसे बचना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगी, 5 टिप्स दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि हमें मॉनसून में, या जब भी हम देख रहे हैं कि मच्छर हैं, तो हमें हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कलर इसलिए क्योंकि ये फैक्ट है कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो डार्क कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स के और फुल पैंट्स पहननी चाहिए, जिससे कि मच्छर हमें ना काट पाए। मेरा दूसरा पॉइंट है कि आप अपने घर से जितना भी, जैसे आप देखते हैं बारिश होती है तो जगह जगह पानी जम जाता है, तो उस पानी को ना जमने दें, उसको तुरंत हटाएं, साफ करें, क्योंकि जमे हुए पानी में ही सबसे ज़्यादा भर के अपने घर में स्टोर करके पानी रखते हैं, हमें उसे हमेशा कवर करके रखना चाहिए, खोल कर नहीं रखना चाहिए। अब गर्मियां हैं तो लोग कूलर भी यूज़ करते हैं, तो कूलर का पानी भी 2 से 3 दिन पर पूरा अच्छे से क्लीन करके चेंज करते रहना चाहिए। मतलब पानी कहीं भी पुराना स्टोर करके नहीं रखना है हमने, हमेशा हम उसे चेंज करते रहें, उसको कवर करके रखें। और जो स्टैंडिंग, जो बाहर जैसे जमा हुआ पानी है हमारे घर के आसपास, जो जमा हुआ पानी है उसको तुरंत क्लीन कर दीजिए, वरना उसमें सबसे पहले मच्छर आते हैं और गंदगी आती है। मेरा थर्ड पॉइंट है मॉस्किटो नेट, आप सभी को पता होगा, जिसको हिंदी में मच्छरदानी भी बोलते हैं। हमें वो लगाकर सोना चाहिए ऐसे टाइम पर, वो लगाने से हम टोटली रात में एटलीस्ट सेफ रहते हैं, क्योंकि रात में मच्छर बहुत काटते हैं, तो रात में हम लोग सेफ रहते हैं। तो इसलिए मॉस्किटो नेट मॉनसून के लिए या मॉस्किटोज के लिए मस्ट है, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, उससे हम मच्छरों से बच सकते हैं, अच्छे से पूरी रात सो सकते हैं बेफिक्र होकर। तो मॉस्किटो नेट ज़रूर होना चाहिए आप सभी के पास। पॉइंट जो मेरा है, जैसा कि हम, मतलब जब हमारे घर में मच्छर आते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ बहुत मच्छर हैं, तो हम उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं उससे बचने के लिए। जैसे जब कोई चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, वो ये है कि जो कपूर होता है, कपूर यानी कि कैम्फर जिसे हम बोलते हैं, वो लेकर आप अपने रूम में जला दीजिए और अच्छे से सेफली उसको रखिए, उसके आसपास कोई वुडन कपड़ा वो सब ना हो, उसको जला के कॉर्नर में रख दीजिए सेफली और अपना डोर क्लोज कर दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे सारे मच्छर जा चुके होंगे। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है मच्छरों को भगाने का। और जो 5th टिप है, मैं पहले ही आप सभी को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ।
मतलब मैंने औरों को भी यूज़ करते देखा है अपने फैमिली में, तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप सभी को बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग उसे एज अ प्रमोशन और एज अ एड बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ ये जो गुड नाइट का है, ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4 वाला जो ऐड भी आता है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हम अपने बेबी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे। बैंगलोर में तो उतने ज़्यादा मच्छर नहीं है, लेकिन हम लोग के लखनऊ में उस टाइम जून वगैरह में बहुत मच्छर थे, तो हम लोग ये यूज़ करते थे। बस 4 पॉइंट्स हम लगाते थे, लेकिन हमेशा इसे आपको बेबी जो कपड़े पहना है उसके ऊपर लगाना है, स्किन पर नहीं यूज़ करना है। तो इससे आप लगाकर इससे मच्छर नहीं काटते बच्चों को, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, इससे मच्छर नहीं काटते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एक ओडोमॉस हो गया, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, वो लगाने से भी मच्छर हमें नहीं काटते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन या कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप एक्सपीरियंस पर ही आप सभी लोग से शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी इसे यूज़ करें। हम सब लोग जब भी मार्केट में मूर्तियां, भगवान जी की मूर्तियां या भगवान जी का पूजा का सामान लेने जाते हैं, तो अक्सर लोग बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम उन मूर्तियों को घर पर लाते हैं, उन्हीं से प्रे करते हैं कि हे भगवान जी हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमारा ये करवा दीजिए, हमारा वो काम करवा दीजिए, तो वो सब मतलब जब आप उन्हीं की मूर्ति लेने में मोल भाव करेंगे, उन्हीं के में पैसा कम करवाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो कभी भी हमें भगवान जी की मूर्तियों में या फिर पूजा के सामान में, और एक और चीज़, कभी भी जब हम सुहाग का सामान लेते हैं, मैरिड लेडीज़ जो होती हैं वो जब सुहाग का सामान लेती हैं जो, तो उनमें भी कभी मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पति हस्बैंड के दीर्घायु और उस सबसे रिलेटेड होता है, तो हमें उसमें भी कभी मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, और इतनी सारी चीज़ें हैं मोल भाव करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए आप करिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें कभी भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट देती हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हैं, भगवान जी, सुहाग का सामान, तो इस सब में कभी भी हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की सुपर टिप, होप आप सभी लोगों के लिए काम आएगी। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ और चलती हूँ। तो चलने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप सभी तक टाइम से पहुँच सकें और आप सभी मेरी सारी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।